नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर अभी आपके लिए लाया हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़। हालांकि ब्रेकिंग न्यूज़ हरिद्वार के लिए है, लेकिन जैसा कि कोरोना को लेकर संकट को लेकर चल रहा है तो पूरे ज़िले के लिए यह न्यूज़ महत्व रखती है। दोस्तों, हमारे ज़िले के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी ने अभी कुछ दिनों पहले रुड़की में एक बड़ी कार्रवाई की थी और उन्होंने यहाँ जो है माउंट लिटेरा जी स्कूल को निरीक्षण की कार्रवाई की थी। उसमें वहाँ से फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा था और एक आर्य पुस्तक भंडार वहाँ का दबाव बनाया जा रहा था अभिभावकों पर, यहाँ से किताबें खरीदिए। इसके बाद वहाँ विद्यालय में भी एनसीईआरटी से अलग लगभग एक ट्रक पुस्तकों का वहाँ से बरामद हुआ था। अब ताज़ा ब्रेकिंग यह है, आनंद भारद्वाज जी ने और उनकी टीम ने हरिद्वार में एक बहुत नामी स्कूल है, कौन सा स्कूल है वो खुद अगले फ़ोन पर मेरी उनसे बातचीत हुई, उसमें आनंद भारद्वाज जी जानकारी देंगे और बहुत बड़ी कार्रवाई, 1,00,000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया गया है। ठीक रुड़की की भांति वह भी एक पुस्तक भंडार है, वहाँ भार्गव पुस्तक भंडार करके हैं, वह अभिभावकों पर वहाँ से दबाव बनाया जा रहा था कि वे वहीं से किताबें खरीदें और 2,500 की किताबों का सेट वहाँ दिया जा रहा था। पूरी कार्रवाई क्या हुई है, किस तरह हुई है, अभी फ़ोन पर मेरी जो आनंद भारद्वाज जी से बात हुई, अगले हिस्से में आपसे सुनेंगे। धन्यवाद। हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर, संदीप तोमर बोल रहा हूँ सर, रुड़की आपसे। नमस्कार नमस्कार जी जी तोमर साहब। सर, रुड़की की बात ही, हरिद्वार में आज क्या कार्रवाई की आपने? तोमर साहब, जैसा कि आपने रुड़की हब की तरफ से मेरा फोन नंबर जन सामान्य के लिए उपलब्ध करा दिया था, उसका लाभ लेकर जन सामान्य से मेरे पास शिकायतें आनी शुरू हो गई है। एक अभिभावक ने मुझे आज सवेरे सूचना दी और व्हाट्सएप पे अपना शिकायत भेजी कि दून कैम्ब्रिज स्कूल उनको पर दबाव बना रहा है भार्गव बुक स्टोर से किताबों का सेट खरीदने के लिए। जी सर। मैंने इसकी जांच बहादराबाद की उप शिक्षा अधिकारी दीप्ति यादव को दी। दीप्ति यादव ने एक नकली ग्राहक बना के वहां पर भेजा तो उसने जो सेट खरीदा क्लास वन के सेट की कीमत 2,500 रुपए लगभग। जी सर। तो इस सेट को जो लाकर देखा गया तो सारी प्राइवेट किताबें थी। जी सर। प्राइवेट किताबें अमूमन ये लोग नहीं लगा सकते हैं, यदि एनसीईआरटी से इतर कोई किताब किसी को लगानी है तो उच्चाधिकारियों से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से परमिशन लेनी होती है, उन किताबों की उपलब्धता होनी चाहिए मार्केट में और उनकी कीमतें एनसीईआरटी की किताबों के बराबर होनी चाहिए। ये किताबें कहाँ से मंगवा रहे थे सर? पता नहीं, दूर दूर के पब्लिकेशन से। सॉरी, हरिद्वार में कोई पर्टिकुलर दुकान की? हाँ हाँ, भार्गव बुक डिपो से। तो अभी इसमें कार्रवाई क्या की गई सर विद्यालय में? इसके अलावा इस स्कूल ने फीस के साथ रजिस्ट्रेशन फीस, प्रवेश शुल्क, स्मार्ट क्लास की शुल्क, एग्जाम की शुल्क भी लगा रखी थी, ये भी शिकायत है। और जब इसके जांच की गई तो पता चला कि इन्होंने आरटीई वाली मान्यता भी प्राप्त नहीं कर रखी है। जी, तो आरटीई एक्ट के सेक्शन 19 के अंतर्गत इस विद्यालय के ऊपर 1,00,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है और पेनल्टी न देने की दशा में 10,000 रुपए पर डे का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। जी सर। और यदि फिर भी ये जमा नहीं करेंगे तो इनकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। और इनके भार्गव जो पुस्तक भंडार है सर, उसके लिए क्या? जी जी, भार्गव पुस्तक भंडार के को सील करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब को पत्र लिखा गया है। अच्छा, कुछ नोडल अधिकारी भी आपने बनाए हैं सर? जी जी जी, पब्लिक की शिकायतें सुनने के लिए हमने पूरे जनपद को 2 जोन में बांटा है। रुड़की जोन में रुड़की, नारसन, भगवानपुर है, इनके नोडल अधिकारी विक्रम सिंह है, और लक्सर, खानपुर और बहादराबाद के नोडल अधिकारी श्री ब्रह्मपाल सिंह सैनी हैं। और इसके संबंध में लगभग 20 फ्लेक्सी पूरे जनपद में लगवाई जा रही हैं, जिनके देखकर उनके व्हाट्सएप पे जन सामान्य से शिकायतें प्राप्त हो सकेंगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई का काम आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट आपको। थैंक यू तोमर साहब। जी जी, प्रणाम सर, नमस्कार। देखिए मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मेरे प्यारे हरिद्वार जनपद वासियों, शिक्षा विभाग एक बड़ी अच्छी मुहिम चलाए हुए हैं और लगातार वे कार्रवाई कर रहा है। अभी तो आपने फ़ोन पर सुना किस तरह से जो कार्रवाई शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी ने की है, वह आपके सामने है। और इसी के साथ मैं आपका संदीप तोमर आपको करता हूँ जय हिंद, नमस्कार।